जैसा कि दोस्तों आप लोग वीडियो का थंबनेल देखकर जान ही गए होंगे कि आज हम बात करेंगे सुशांत सिंह राजपूत के बारे में, जो कि हमारे फेमस बॉलीवुड एक्टर थे। यानी कि उनका टीवी सीरियल में अच्छा परिचय बन गया था, वो एक फेमस व्यक्ति बन गए थे। तो फिर उनके सुसाइड के क्या कारण हैं, और उनकी आज सुधा भाभी भी गुजर गई हैं। तो फिर उन यानी कि सुधा भाभी और एक्स मैनेजर भी गुजर गई, यानी कि तीन लोग, यानी कि बहुत ही जल्दी से उनके सदस्य लोग जा चुके हैं। तो फिर इसी बारे में बात करेंगे। तो फिर आइए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अपने भाई का नाम जान लीजिए। मेरा नाम है अमन दुबे। तो फिर आइए वीडियो शुरू करते हैं। जैसा कि दोस्तों आप लोगों को पता है कि सुशांत सिंह राजपूत ने अपनी आत्महत्या कर ली थी फांसी लगाकर, और उसके कुछ ही दिन पहले उनकी एक्स मैनेजर ने भी बिल्डिंग से कूद कर अपनी जान दे दी थी। यानी कि कहा जा रहा है कि वो बिल्डिंग से कूदी नहीं थी, वो शराब की नशे की हालत में थी, वो अपने आप ही गिर पड़ी थी। तो फिर यही कारण है। और उसके बाद सुशांत सिंह राजपूत के मरने के बाद में कुछ ही यानी कि पलों में उनकी भाभी सुधा भाभी भी गुजर गई, यानी कि वो सुशांत सर के सदमे में आकर अपने आप को संभाल नहीं पाई, इसलिए वो अपने आप को खुद भी भगवान के पास रवाना हो गई। तो फिर आपको क्या लगता है, सुशांत सिंह राजपूत का क्या मैटर एक्स मैनेजर के साथ कुछ हो सकता है, इसलिए क्या वो अपने प्राण दे सकते हैं या नहीं, और अपनी भाभी के बारे में कुछ क्या बता सकते हैं, भाभी ने क्या इतना प्रेम करती थी जो वो सदमे में आकर खुद भी प्राण दे दिए। तो फिर आपको क्या लगता है, किस लिए भाभी ने प्राण दिए, ये सब क्या मैटर है। सुशांत सिंह राजपूत की जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी आई थी, उसमें भी कहा जा रहा था कि सुशांत सर ने आत्महत्या की है। तो फिर आपको क्या लगता है, सुशांत सर ने आत्महत्या की है या वो डिप्रेशन में थे, इसलिए आपको खुद आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, इसलिए जो भी अपडेट आएंगे इसके बारे में वो मैं आपको तुरंत ही बताता रहूँगा। तो फिर आइए वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।